हाय एवरीवन दिस इज विका आज का टॉपिक है थाइलैंड के बारे में जहाँ पे सनस्क्रीन को बैन कर दिया गया है क्योंकि माना जा रहा है सनस्क्रीन में कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट हैं जिससे कोरल डैमेज हो रहे हैं कोरल्स क्या होते हैं ये सब हम डिटेल में जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर बिकॉज आई फील टैदो वी कैन मेक अज डिफरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पी जो है पे, वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा इस लेक्चर में हम इन पाक के बारे में जानेंगे कोरल और कोरल ब्लीचिंग के बारे में पढ़ेंगे हार्मफुल सनस्क्रीन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं क्योंकि सनस्क्रीन जो आप लोग लगाते हैं धूप में निकलने से पहले ताकि टैनिंग ना हो यूवी रेज के खिलाफ आपको प्रोटेक्शन मिले उसमें बहुत इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं क्या आपने कभी चेक किए हैं वो इंग्रेडिएंट्स कोरल्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं एंडोक्रीन डिसरप्टर्स भी हैं तो इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे तो देखिए न्यूज़ यही है कि थाईलैंड गवर्नमेंट ने सनस्क्रीन्स जिनमें केमिकल्स प्रेजेंट हैं वो सनस्क्रीन जिनमें कोरल डैमेजिंग केमिकल्स पसंद हैं उनको बैन कर दिया है अपने मरीन पार्क्स में कि वहाँ पे कोई भी ये सनस्क्रीनस को यूज़ करके नहीं जाएगा मरीन पार्क्स में अब ये मूव ये जो मूव है वो कैसे लिया गया ये डिसीजन कैसे लिया गया क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं इन मरीन पार्क्स में जाते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में सनस्क्रीन यूज़ करते हैं और सनस्क्रीन में वो केमिकल्स हैं जो कोरल्स को डैमेज करते हैं कोरल ब्लीचिंग करवाते हैं तो अब आप सोच रहे होंगे कि कोरल्स क्या हैं तो देखिए कोरल्स मरीन समुद्र में मिलने वाले इनवर्टिब्रेट्स हैं इनके बारे में और डिटेल में मैं आपको आगे बताती हूँ बट बत फिलहाल ये याद रखिए कि कोरल्स क्या हैं मरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं तो थाईलैंड यहाँ पे आपको इसका वर्ल्ड मैप पे लोकेशन में आपको दिखा रही हूँ ग्रेट बैरियर रीफ आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में है बहुत ज़्यादा कोरल्स वहाँ पे पाए जाते हैं थाईलैंड की फिलहाल हम बात कर रहे हैं अब टर्म यूज़ हुई है मरीन पार्क जहाँ से बैन किया है मरीन पार्क क्या होता है एक तरह का मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है वो एरिया जो प्रोटेक्टेड में आता हो जिस तरह से हमारा लैंड पे नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं उसी तरह से समुद्र में मरीन पार्कस बनाए जाते हैं ये ओशन का उतना एरिया होता है जहाँ पे गवर्नमेंट ह्यूमन एक्टिविटी पे लिमिट्स लगा देती है कि यहाँ पे लिमिटेड एक्टिविटीज़ की जाएंगी अब मरीन पार्क्स में यूजुअली रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं रिक्रिएशनल यानी जो टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए उनकी इन्जॉयमेंट एंटरटेनमेंट के लिए कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं जैसे बोटिंग के लिए जा सकते हैं स्नोकलिंग स्नोकलिंग क्या होता है पानी के बीच में डाइव करते हैं ऑक्सीजन मास्क लगा के ब्रीदिंग ट्यूब लेके स्पोर्ट्स फि फिशिंग जो है वो अलाउड होती है अब मरीन पार्क्स जिस तरह से लोकल पार्क्स होते हैं ना पार्क्स जहाँ पे घूमने जाते हैं लैंड पे लोग उससे मिलते जुलते होते हैं कम्यूनिटी uh, इनको यूज़ कर सकती है इनमें फैसिलिटीज़ रहती हैं जो इनके यूज़ को इनक्रेज करती हैं काफ़ी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं ताकि यहाँ पर लोग और भी ज़्यादा आएँ बट यहाँ पर जिस तरह से लैंड पे पार्क्स होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि लोग जाते हैं वहीं पे प्लास्टिक फेंकते हैं घूमने के लिए पल्यूट करते हैं इन्वामेंट को वहाँ के पार्क के इन्वायरमेंट को गंदगी फैलाते हैं तो ओवर यूज़ भी करते हैं तो सेम चीज़ मरीन पार्क के साथ भी होती है लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं पोल्यूशन करते हैं ओवर एक्सप्लॉटेशन करते हैं तो सेम चीज़ें जो लैंड पे आप देखते हैं वो आपको समुद्र के पार्क्स में भी दिखेंगी अब रीजन क्या है इस अनाउंसमेंट का कि साइंस बहुत सारे इस तरह के रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो ये दिखाते हैं कि जो केमिकल्स हैं वो कोरल रीफ्स को बर्बाद करते हैं कोरल लार्वा जो होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खत्म करते हैं इससे कोरल्स का पॉपुलेशन डिक्लाइन होता जा रहा है और कोरल रीफ ब्लीचिंग हो रही है अब देखिए कोरल्स किससे बने होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इनको हम बोलते हैं पॉलिप्स बहुत सारे पॉलिप्स मिलके के कोरल्स बनाते हैं दिस पॉइंट इज क्लियर याद रखिए कोरल्स क्या हैं इनमें जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम पॉलिप्स बोलते हैं अब ये पॉलिप्स क्या करते हैं एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं एलगी के साथ ओके म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या होता है इन्वायरमेंट की एक वीडियो मैंने बनाई थी वहाँ पे जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं म्यूचुअलिज्म सिम्बाटिक रिलेशन ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था आप वो देख सकते हैं अब पॉलिप्स और एलगी म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है कि पॉलिप्स भी एलगी को फ़ायदा देंगे एलगी भी इन रिटर्न पॉलिप्स को फ़ायदा देगी अब पॉलिप्स बेसिकली क्या करते हैं एलगी को मटीरियल प्रोवाइड करते हैं फोटोसिंथिस के लिए एलगी यानी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं फिर एल्गी खाना बनाती है कैसे बनाएगी जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं और फोटोसिंथेसिस से जो उसके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वो बनाती है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया तो वो पॉलिप्स को देती है यानी ये उसको रॉ मटीरियल देते हैं फिर एल्गी खाना बनाती है खाना जब कुक हो जाता है वो पॉलिप्स को फीड करती है Uh, यानी वो कार्बोहाइड्रेट्स से है थी और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो पॉलिप्स हैं वो यूज़ करते हैं अपना कैल्शियम का स्केल्टन कैल्शियम कार्बोनेट का उनका स्केल्टन है उसको बिल्ड करने के लिए खाने से एनर्जी लेते हैं तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि पॉलिप्स रॉ मटेरियल दे रहे हैं ये उसको फोटोसिंथेसिस से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है जिसको पॉलिप्स आगे अपनी ग्रोथ के लिए अपने कैल्शियम कार्बोनेट स्केल्टन के लिए यूज़ करें तो so दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं और जो आप कोरल्स में कलर्स देखते हैं ना बहुत सुंदर सुंदर कलर्स के कोरल्स होते हैं पिक्चर्स अगर आप गूगल पे ढूंढेंगे तो वो कलर इस एलगी की वजह से होता है कोरल्स का खुद का अपना कोई कलर नहीं होता वो इस एलगी का नाम है जू तो ये उस एल्गी का कलर रहता है तो दिस इज अबाउट कोरल्स अब देखिए रीफ देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं और जिस तरह से वीडियो चल रहा है रीफ एक मटेरियल है नियर द सरफेस ऑफ ओशन नेचुरल और आर्टिफिशियल रीफ्स बनाए जाते हैं यहाँ पे कोरल रीफ यानी एक बैरियर रीफ हो गया बैरियर तो कोरल रीफ हो गया जब बहुत सारे कोरल्स इकट्ठे हो जाएंगे तो एक तरह का बैरियर बना देंगे कोरल रीफ यही आ गया लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स जो स्केल्टनस के बने हुए हैं मरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनको हम कोरल्स बोलते हैं और मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में भी बहुत अच्छे से ये बता दिया अब देखिए ये आपके कलरफुल कोर कोरल्स हैं इको सिस्टम है जो बिल्कुल हेल्दी है यहाँ पे फिश आ रही हैं कोरल्स हैं और ये है डैमेज्ड कोरल्स तो दोनों में डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है अब ये 2014 का पिक्चर है हेल्दी कोरल्स आपको दिखेंगे फिर कोरल्स में ब्लीचिंग हो जाएगी एलगी नहीं रहती है तभी कोरल्स का कलर चला जाता है उसको हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं ये 2015 का फोटोग्राफ है ये मर रहे हैं अभी कोरल्स और फिर यहाँ पे ये आपको डेड कोरल्स दिखेंगे ये खत्म हो गए तो हर हर पिक्चर में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है अब कोरल्स डैमेज होते हैं या कोरल्स की ब्लीचिंग होना शुरू हो जाती है ब्लीचिंग होने का मतलब है जो ब्यूटीफुल कलर्स आप कोरल्स में देखते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो यू विल से दैट कोरल ब्लीचिंग इज हैपनिंग ओके अब जो हेल्दी कोरल्स होते हैं वो क्या करते हैं आपको वो एक सिम्बॉयटिक रिलेशनशिप में रहते हैं जैसे मैंने आपको समझाया जो स्ट्रेस्ड कोरल्स होते हैं वो क्या करते हैं एलगी को अपने से दूर करने लग जाते हैं जब एलगी को दूर करने लग जाएंगे तो क्या नुकसान होगा एक तो उसका कलर नहीं रहेगा दूसरा एलगी इसको खाना प्रोवाइड कर रही थी अब इसको खाना नहीं मिलेगा तो दे विल स्टार्ट डाइंग तो ब्लीच कोरल हो गया जब कोरल ब्लीच हो गया वहाँ पर कोई एलगी नहीं है नाउ कोरल इज़ वलरेबल उसको वो मर सकता है डिजीजेज हो सकती हैं उसको तो सेम चीज़ यहाँ पर भी एक्सप्लेन की हुई है अब कॉन्सिक्वेंसिस क्या हैं इसके रिजल्ट क्या होगा इको सिस्टम ख़राब होगा इन्वामेंट की उस जगह का क्वालिटी जो है वो बर्बाद होगा फिश पॉपुलेशन जो कोरल पर डिपेंड करती हैं उनकी पॉपुलेशन कितनी लग जाएगी क्योंकि सिर्फ कोरल को नुकसान नहीं होगा उसका पूरा जो इको सिस्टम है उस एरिया का वो पूरा हिल जाएगा टूरिज्म क्योंकि लोग कोरल्स को देखने आ रहे थे लेकिन अब कोरल्स ही नहीं है तो टूरिस्ट नहीं आएंगे तो रेवेन्यू नहीं आएगा कोस्टल इरोजन होने लगेगा क्योंकि कोस्टल कोरल क्या है रीफ बनाते हैं बैरियर्स बनाते हैं लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं तो कोस्टल इरोजन भी शुरू हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी आपकी कम हो जाएगी तो ये सारे प्रॉब्लम होंगे अगर कोरल्स नहीं रहेंगे कमिंग बैक फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सनस्क्रीन्स तो सनस्क्रीन में मैंने आपको कहा इस तरह के केमिकल्स हैं जो कोरल की ये ब्लीचिंग करवाते हैं ओके okay? उनको स्ट्रेस करते हैं कि वो स्ट्रेस अप हो जाए और एलगी को छोड़ दें अब आपको यूजुअली अगर आप सनस्क्रीन यूज करते हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो पीछे आपको ये इंग्रेडिएंट्स नजर आएंगे ऑक्सीबेजोन ऑक्टिनोक्सेट ऑक्टोक्राइलिन ओके तो ये देखिए ये सारे केमिकल्स रीफ ब्लीचिंग करवाते हैं सब सी लाइफ में आपको मिलेंगे जब ये केमिकल्स आपको सी लाइफ में मिले हैं तो मतलब वो किसी चीज़ के थ्रू गए हैं सनस्क्रीन के थ्रू गए हैं और प्लांट ग्रोथ को एटलीस्ट तीन केमिकल्स प्लांट ग्रोथ को भी रोकते हैं बाकी के इकोसिस्टम पे भी ये खतरा है और रिमूव इन दोनों को तो रिमूव करना भी मुश्किल है ऑक्सीबेजोन ऑक्टिनो ऑक्टिन ऑक्सिट को रिमूव करना भी ओशन से बहुत मुश्किल है न उसी दी ज़्यादा टॉक्सिक सनस्क्रीन इंग्रेडिएंट्स जिनको बैन किया गया है और ऊपर से एंडोक्रीन डिस्क्रप्टर्स भी हैं कोरल्स की डेवलपमेंट भी नहीं हो पाती अच्छे से अगर इन फैक्ट या अगर स्मॉल बहुत कम क्वांटिटी में होंगे तो भी कोरल्स डेवलप नहीं हो पाते और अगर कोई इसका वायलेशन करेगा थाईलैंड में तो उसको यू करेंसी के हिसाब से देखिए थ्री थाउजेंड डॉलर फाइन देना पड़ेगा अराउंड एक लाख थाई जो पैसे हैं वो देने पड़ेंगे थाई करेंसी देनी पड़ेगी एज अ पनिशमेंट एज फाइन अब ये सिर्फ थाईलैंड में नहीं है कंसर्न्स बाकी कंट्रीज में भी हैं पहला देश नहीं है थाईलैंड ऐसा करने वाला फर्स्ट जनवरी 2020 में पैसिफिक आइलैंड में पलाओ ने भी बैन कर दिया था सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स को एलैवन कॉम्पोनेंट्स उनको टॉक्सिक दिखे थे इन्वायरमेंट के लिए तो देखिए ये न्यूज़ फ़र्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी की है हवाई ने भी ऑफिशियली सनस्क्रीन्स को बैन कर दिया वो सनस्क्रीन्स जो कोरल्स को इफ़ेक्ट करती हैं अब कंज्यूमर्स का क्या डिमांड है बहुत इस तरह का पार्ट ऑफ इंडस्ट्री भी है जो बोलता है और भी बहुत सारे रीजंस हैं कोरल को डैमेज करने का सनस्क्रीन ही इकलौता रीज़न नहीं है हमें उन रीजंस को भी देखना चाहिए तो सनस्क्रीन को बैन करने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा बट हाउ uh, जो मार्केट में अगर आप देखेंगे यूएस बेस्ड एक कंपनी है जो इस तरह की सनस्क्रीन बनाती है उसमें वो केमिकल्स हैं जो कोरल्स के लिए हार्मफुल नहीं है दे आर इको फ्रेंडली तो अगर आप सनस्क्रीन खरीदें अगर आप इन देशों में जा रहे हैं तो उनका लेबल ज़रूर चेक करें कि उनमें ये टॉक्सिक इन्ग्रीडियंट्स ना हो नॉन नैनोटाइज जिंक ऑक्साइड और टेटानियम ऑक्साइड जैसे हो गया नॉन नैनोटाइज इन्ग्रीडियंट्स के लिए देखें और रील सेफ लेबल्स के चक्कर में ना पड़ें क्योंकि हो सकता है वो गलत हो और वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन को पिक करें नो दैट ओशन सेफ मेनली मींस वाटर रेजिस्टेंट अवॉइड स्प्रे सनस्क्रीन्स को अवॉइड करें तो एक जनरल हिदायत है कि आप किस तरह की सनस्क्रीन ले सकते हैं अगर आप इन देशों में जाना चाहते हैं अब आपके लिए एक सवाल है थाईलैंड का पुराना नाम क्या था उतोपिया शियाम फॉर्मोसा नन ऑफ दीज तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मालूम है अदरवाइज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इसका आंसर आप मुझे वहाँ पे आप अटैम्प्ट कीजिए क्विज़ का आपको मालूम पड़ जाएगा बाकी आप वेबसाइट विजिट कीजिए स्टडी आई क्यू की हमारी और एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ uh, की जानकारी के लिए ई एम आई पर भी स्मार्ट कोर्सेज़ हमारे अवेलेबल हैं थैंक यू सो मच